हाँ साथियों, मैं समाजवादी गायक संतोष यादव, हमारे साथ में हमारे बड़े ज्येष्ठ गुरु भाई जो परम सम्मानी गुरुदेव स्वामी श्री आधार चैतन्य जी के भांजे श्री उपदेश चैतन्य, हम लोग लोकसभा मैनपुरी डिंपल भाभी जो प्रत्याशी के रूप में आई है जनता की सेवा करने के लिए, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं गीतों के माध्यम से। ये सुनील कैसेट करी की पुलिया की तरफ से आपके पास ये गीत पहुंच रहा है। ध्यान दें मैनपुरी लोकसभा की जनता, डिंपल भाभी की लहर चल रही मैनपुरी में, डिंपल भाभी की लहर चल रही मैनपुरी में, डिंपल भाभी की लहर चल क्षेत्रों में, डिंपल भाभी की। ऐसा नहीं भयो डिंपल भाभी जीतेगी। जब जब सरकार समाजवादी की आती है, समाजवादी के लोगों के हाथ में जब सत्ता आती है, बहुत विकास कराते हैं भैया उपदेश चेतन जी। हाँ, इसलिए मैनपुरी क्षेत्र के लोगों, ये संतोष यादव गायक और उपदेश चेतन हम लोगों की अरज है। ये संतोष गायक झोली पसा रहा है वोटों के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि आप लोगों की जभी होगी। नेताजी के सपनों को साकार जभी कर पाएंगे आप लोग, जब लोकसभा मैनपुरी से डिंपल भाभी को भारी बहुमत से विजयी बना देना। ये संतोष गायक शीश झुका के आपके चरणों में एक एक वोट की भीख मांगने आया है। जब सरकार आ जाती है, समाजवादी की बहुत योजनाएं चलती भैया। ए माताओं बहनाओं, हमारे भैया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पेंशन देने का काम, लैपटॉप देने का काम, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, और बता दूं देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हाईवे लखनऊ से लेके आगरा तक बनवाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। पेंशन दई ब्रद जो नल को, ए पेंशन दई ब्रद जो नन को, मैया पेंशन दई ब्रद जो नल को, पेंशन दई ब्रद जो नन को, और लैपटॉप छात्रा छात्रन को, लैपटॉप छात्रा छात्रन को। इसलिए छात्रों छात्राएं ध्यान देना बहनाओं, आप लोग भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल भाभी लोकसभा मैनपुरी से जो प्रत्याशी बनके आपके बीच में आ गई है, 5 तारीख यानी 5 दिसंबर को पोलिंग पर जाकर के साइकिल वाला बटन दबा देना और लोकसभा दिल्ली में डिंपल भाभी को भारी बहुमत से विजय बना के पहुंचा देना। माताओं बहनाओं भाइयों युवा साथियों बुजुर्गो, ये संतोष गायक की अरज है। के दान लुटैया की, ए दान लुटैया की लहर चल रही यूपी में, दान लुटैया की लहर चल रही आज यूपी में, दान भाभी की लहर चले क्षेत्रों में, डिंपल भाभी की लहर चले भैया क्षेत्रों में, डिंपल भौजाई की लहर चले क्षेत्रों में, डिंपल भाभी की लहर चले क्षेत्र में भैया। कौन कौन से काम करेंगे, कौन कौन से काम करेंगे, नाली नदी साफ करवाए, अरे नाली नदी साफ करवाए उपदेश भैया, बहुत सुंदर। ये हमारे नेताजी की चलाई भई योजना है, अब तो वो नहीं है, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनकी धर्म पत्नी आगे भीड़ा उठा रही है डिंपल भाभी। हाँ भैया, जल कितने पुल बनवाए, कितना काम किया भैया जी ने, अरे नाले नदी साफ करवाए, नाले नदी साफ करवाए, अरे जाने कितनी पुल बनवाए, जाने कितने पुल बनवाए, के कष्ट मिटाई बस भैया, के
कष्ट मिटैया की लहर चल रही क्षेत्र में कष्ट मिटैया की संदाई रही अब आगे इसलिए सभी को ध्यान में रखना है समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार आती है जब जब ये लोग किसी न किसी पद पे होते हैं गरीबों किसानों हमारे भैया अखिलेश यादव जी ने अस्पताल बनवाने का काम किया एम्बुलेंस गरीब के पास पैसा नहीं है कैसे पहुंचेगा अस्पताल लेकिन धन्य अखिलेश भैया तुम्हारी सोच को अरे संतोष चेतन जो आगे खड़े लोगों से थोड़ा सुनो भाइयों है आप ही लोगों से कह रहा हूँ माता बहनों को माता बहनों ये सब झुका के आपसे डिम्पल भाभी के लिए फोटो की अपील करने आया है संतोष यादव गायक भूपेश चेतन जी और बता दूं भैया क्या क्या योजना है लोगों बता बताओ अरे मुफ्त में पानी मुफ्त पढ़ाई मुफ्त में पानी मुफ्त पढ़ाई और अस्पताल में मिले दवाई अस्पताल में मिले दवाई कितने में केवल एक रुपया की अस्पताल जाना एक रुपए का पर्चा बनवाना और दवा लेके ठीक होके घर आना ये नेताजी ने बनवाया था सारी योजना नेताजी की थी अखिलेश भैया चला रहे हैं लेकिन भाजपा में सब कुछ गुल हो गई केवल एक रुपया की ले चले मेरे भैया काम किया समाजवादी ने पक्षपात का भेदभाव नहीं देखा जान पहले हमारे माननीय मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने जी जनता इसमें लाभ कौन कौन से दिए बता दो भैया बताओ कौन कौन से लाभ मिले हमें हमें अनेक लाभ दिलवाए हमें अनेक लाभ दिलवाए हमें अनेक लाभ दिलवाए एक बात और सुनो भैया जनता ने हमारे माननीय नेता जी ने अखिलेश भैया जी ने भेदभाव तो नहीं रखा ना 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 बताओ उसके बारे में बताओ और भेदभाव बिन सब ने पाए 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 ए ज्योत जलई ज्योति जलैया की लहर चले यूपी में ज्योति जलैया की लहर चले भैया यूपी में ज्योति जलैया की सताई रही अब आगे और ऐसा ही नहीं उपदेश भैया एक बार बताओ हमारे देश में उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय अखिलेश यादव ने खेल कौन कौन से किए खेल उनके बारे में और बताओ सुनो अरे मैनपुरी में खेला होई मैनपुरी में खेला होई हमारे बेटा प्रमोद यादव ढोलक बादक और अखिलेश चेतन उसीरा और लला पवन बेटा चिंता बादक और सुनील कैसेट कंपनी कर रही फुलिया क्या बात है मेरे लाल उपदेश भैया अरे मैनपुरी में अब खेला होई मैनपुरी में अब खेला होई जनता इंतजार कर रही है कब 5 दिसंबर 5 तारीख आए टोले के बच्चाए साइकिल के बटन को दबाएं और सिंपल भाभी को भारी बहुमत से दिल्ली पहुंचाए पूरी जनता एक और कह रही है क्या सिंपल यादव सो लगे न कोई सिंपल की परली को नहीं कोई सुंदर डिंपल यादव की परनी को नहीं कोई डिंपल यादव की परनी को नहीं कोई
निकल पहिया बस होए ए अखिलेश भैया साइकिल पहिया की सताई रही यूपी में साइकिल के पहिया की सताई रही यूपी में साइकिल के पहिया की सताई रही यूपी में जय समाज अखिलेश यादव जिंदाबाद डिंपल यादव जिंदाबाद भाइयों ये भी गीत मैं समाजवादी गायक संतोष यादव सांस्कृतिक कोष जिला अध्यक्ष औरैया से और हमारे साथ में पधारे हमारे बड़े भाई परम सम्मानी गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन जी के परम भांजे श्री उपदेश चेतन जी हम लोग लोकसभा मैनपुरी क्षेत्र में ढोलक हारमोनिया अपनी पूरी गाड़ी के साथ टीम के साथ में निकल पड़े हैं प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी की योजना के बारे में बता रहे हैं।